गाइस, आप जो यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स देख रहे हो, ये सभी अलग अलग प्रकार के कोल्ड ड्रिंक्स है और इन सभी का कलर भी अलग अलग है। ये ब्लू है, ये रेड है, ये वाटर कलर है, या मजा आता है येलो कलर में, और ये ब्राउन कलर है। और इन सभी का टेस्ट भी आपको मालूम होगा कि इन सभी का टेस्ट भी अलग अलग होता है। जैसे स्टिंग का टेस्ट अलग हो गया, कोका कोला का टेस्ट अलग हो गया, माजा का टेस्ट अलग हो गया। तो मैं सोच रहा हूँ कि इन सभी कोल्ड ड्रिंक्स को एक साथ मिक्स करके पीने पर कैसा इसका टेस्ट आएगा और कौन सा कलर क्रिएट होगा। इन सभी कोल्ड ड्रिंक्स को एक साथ मिक्स करने पर क्या ये जहर बन जाएगा, पीने लायक रहेगा या फिर ये पीने लायक नहीं रहेगा, तो मैं इसको टेस्ट भी करने वाला हूँ। गाइज, मुझे डर लग रहा है इसको टेस्ट करने से, कैसा इसका टेस्ट होगा। मैंने पहले इससे पहले कभी इसको ट्राई नहीं किया हूँ। गाइस, कुछ भी हो, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हुई है जानने के लिए कि इन सभी को मिक्स करके टेस्ट करने पर क्या इसका टेस्ट आएगा। तो चलिए इन सभी को बारी बारी से एक दूसरे में मिक्स करके टेस्ट करते हैं और इसका कलर देखते हैं क्या कलर आता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक ग्लास लेते हैं, इसमें हम मिक्स करेंगे सभी कोल्ड ड्रिंक्स को। यहाँ पर इसको रखते हैं, इन सभी को साइड करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टिंग की टेस्टिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लेते हैं ब्लू स्टिंग, नहीं गाइस, पहले रेड स्टिंग लेते हैं। पहले ब्लू स्टिंग लेते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? क्योंकि मैंने ब्लू स्टिंग इससे पहले कभी ट्राई नहीं किया है, ब्लू स्टिंग नया आया है, तो इसको पहले देखते हैं इसका टेस्ट पहले कैसा है। ये हो गया गाइस, ओपन हो गया ब्लू स्टिंग। यहाँ पर इस ग्लास में डालते हैं। वाओ गाइस, इसका क्या खुशबू है गाइस, बिल्कुल सेंटा फ्रेश जैसा। सेंटा फ्रेश आपने खाया होगा, सेंटा फ्रेश उसके जैसा इसका खुशबू है। टेस्ट आप इसका देखते हैं, इसका टेस्ट भी गाइस सेंटा फ्रेश जैसा है। ये हो गया गाइस ब्लू स्टिंग। अब हम इसमें डालेंगे ये रेड स्टिंग। अब देखते हैं गाइस दोनों का कलर कॉम्बिनेशन कैसा आता है। ये जा रहा है गाइस, देख सकते हैं कलर इसका कैसे चेंज हो रहा है इसके अंदर। मैंने इसमें डाला है अभी ब्लू स्टिंग, उसके बाद ये रेड स्टिंग अभी जा रहा है इसमें। और गाइस ये तैयार हो गया, देख सकते हैं इसका कलर कॉम्बिनेशन किस तरह से इसका कलर आया है। ये देखिए, ना ही ये ब्लू है और ना ही ये रेड है, और ये कौन सा कलर है गाइस आप कमेंट में लिख सकते हैं। चलिए अब इसको टेस्ट करते हैं। गाइस मुझे डर लग रहा है, देख सकते हैं इसका कलर कैसा है, क्या होगा इसको पीने के बाद मुझे नहीं पता। टेस्ट दोनों का गाइस कॉम्बिनेशन है, तो ये ब्लू स्टिंग वाला और रेड स्टिंग वाला, इसमें दोनों का टेस्ट आ रहा है। इसके टेस्ट में तो गाइस कोई डिफरेंट नहीं है, क्योंकि ये दोनों स्टिंग थे और इसका लगभग स्टिंग जैसा टेस्ट है। अब गाइस हम यहाँ पर इस कोका कोला और स्टिंग का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ये लेते हैं ब्लू वाला, इसके बाद लेंगे। ये रहा गाइस सबसे पहले स्टिंग, और इसके बाद ये जाएगा ये ब्राउन कलर का ये कोका कोला। इसका कलर देख सकते हैं, चलिए इसमें रेड और ब्राउन दोनों मिक्स हो गया है। अब इसको पी के देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। इसका गाइस थोड़ा डिफरेंट है, इसका टेस्ट डिफरेंट है, कोका कोला का इसमें ज़्यादा टेस्ट आ रहा है और स्टिंग का हल्का हल्का टेस्ट आ रहा है। अब हम इसमें ब्लू स्टिंग को डालते हैं, क्योंकि इसमें कोका कोला का ज़्यादा टेस्ट आ रहा है, तो स्टिंग को डाल के इसमें इक्वल कर देंगे दोनों को। ये रहा गाइस, अब इसको टेस्ट करते हैं। अब इसका कलर देखिए, ब्लू स्टिंग को डालने के बाद इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा इसके कलर में। वाह गाइस, क्या टेस्ट आ रहा है इसमें से। आप भी अपने घर पे इसको ट्राई कीजिएगा, अलग अलग कोल्ड ड्रिंक्स को एक साथ मिक्स करके पीने पर जो मजा है वो किसी कोल्ड ड्रिंक में नहीं है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। गाइस अभी हमने इसमें स्टिंग डाला है, थ्रोट डाल देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे स्प्राइट। इसके कलर में तो गाइस कोई चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि ये पानी कलर का होता है, वाटर कलर का, और ये स्टिंग रेड कलर का है। इसके टेस्ट में गाइस कोई चेंजिंग हो सकता है, तो इसको टेस्ट करते हैं स्टिंग और स्प्राइट का कॉम्बिनेशन। वाओ गाइस, क्या मजा है, और ये मजा मैं सबको देना चाहता हूँ। तो आप भी अपने घर पे ऐसा ट्राई करो गाइस, बहुत मजा आने वाला है। तो सबसे पहले हम इसमें डालते हैं ये स्टिंग को, ब्लू स्टिंग को। अब हम इसमें डालेंगे ये मजा को।
और गाइस देख सकते हैं इसका कलर किस तरह से चेंज हो रहा है, ब्लू में ऑरेंज कलर जा रहा है। बहुत हो गया गाइस इसमें। अब इसकी टेस्ट करने का बारी है गाइस, स्वाद इसका कैसा है गाइस। इसका स्मेल भी अलग आ रहा है, इसमें देख सकते हैं कुछ रिएक्शन स्टार्ट हो गया इसमें। अब तो इसको पीने में भी डर लग रहा है गाइस मुझे, अंदर कुछ रिएक्शन हो रहा है, ग्रीन कलर का हो गया गाइस देख सकते हैं। क्या करूं गाइस, पीऊं को छोड़ दूं इसको, हमको नहीं पता। जो भी हो मैं इसको पी के देखने वाला हूं गाइस। इसमें देख सकते हैं कुछ अलग ही लेयर बन गया इसमें, नीचे ग्रीन और ऊपर ब्लू हो गया, दिख रहा है उसमें साफ साफ। गाइस क्या करें, पी के तो देखना पड़ेगा, यही वीडियो है। क्या खराब टेस्ट है गाइस इसका, इसको मैं नहीं पी पाऊंगा, इसको साइड में रखते हैं। आप ऐसा ट्राई कर लेना घर पे, आपको पता चल जाएगा कैसा इसका टेस्ट है, लेकिन मैं इसको नहीं पी सकता गाइस। अब हम यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बनाने वाले हैं स्प्राइट और इसमें से कोका कोला का, अब इस दोनों का गाइस टेस्टिंग करेंगे। इसमें सबसे पहले डालते हैं स्प्राइट को, स्प्राइट का तो गाइस कोई कलर नहीं होता आपको पता ही होगा। अब हम इसमें डालेंगे ये ब्राउन कलर का कोका कोला, ये गया। चलिए तो अब इसकी टेस्टिंग करते हैं। और ये गाइस देख सकते हैं इसका कलर ही कुछ और लग रहा है, आप देख के तो समझ ही गए होंगे। समझ रहे हो आप, देसी है गाइस देसी। चलिए इसे पीते हैं हम। बड़ा कड़क है वो। गाइस क्या इसका टेस्ट है दोनों का, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन काम चल सकता है। इसको रखते हैं साइड में। अब हम इसमें मिक्स करते हैं ये माजा गाइस, जिसमें मिला रहे हैं वो खराब हो जाएगा, माजा इसमें हम नहीं मिलाएंगे। स्टिंग को मिलाते हैं इसी में, ब्लू को मिलाते हैं ब्लू, ये गया। और एक बैग गाइस का कलर चेंज हो गया, ग्रीन हो गया गाइस, ब्राउन से इसका कलर देख सकते हैं ग्रीन। अब इसको टेस्ट करते हैं, सब चीज मुझे ही टेस्ट करना पड़ रहा है। अजीब सा टेस्ट है गाइस, कुछ कह नहीं सकते क्योंकि मैंने इससे पहले इसको ट्राई नहीं किया था गाइस। तो अब हम यहाँ पर मिक्स करने वाले हैं स्प्राइट को और मजा को। यहाँ पर अब मजा आने वाला है गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसको डालते हैं इस ग्लास में, ये हो गया गाइस मजा इसमें देख सकते हैं। अब हम इसमें डालते हैं स्प्राइट को, अब दोनों का कॉम्बिनेशन। ये तो गाइस आम का फ्लेवर होता है और स्प्राइट को इसमें डाल रहे हैं हम, और इसका कलर देख सकते हैं हल्का येलो हो गया, लाइट येलो। तब इसको टेस्ट करते हैं, इसका कलर गाइस मजा ही जैसा है, थोड़ा थोड़ा स्प्राइट का टेस्ट आ रहा है, लेकिन बाकी सब मजा का इसमें टेस्ट आ रहा है गाइस। तो अब हम यहाँ पर मिक्स करने वाले हैं कोका कोला, पहले कोका कोला को डालते हैं, उसके बाद क्या डालेंगे आपको बताएंगे। थोड़ा थोड़ा ही डाल रहे हैं गाइस क्योंकि मुझे पीने का मन नहीं कर रहा है, कुछ जेली जैसा हो गया मजा। फिर दूसरों कलर हो गया, नीचे येलो और ऊपर ब्राउन, डिफरेंट आपको दिख रहा होगा क्योंकि माजा का डेंसिटी यानी कि घनत्व ज़्यादा होता है क्योंकि ये गाढ़ा होता है, और ये सभी का डेंसिटी कम होता है, तो ये ऊपर तैर रहा है माजा के ऊपर। तो चलिए अब इसकी टेस्टिंग करते हैं, इसको अच्छे तरह से मिक्स कर लेते हैं कि बराबर सबका टेस्ट आए। ये तो गाइस बिल्कुल जहर जैसा लग रहा है, और इसमें ज़्यादा कोका कोला का इसमें टेस्ट आ रहा है, कहीं पॉइजन ना बन जाए गाइस। गाइस इन सभी को तो मैंने अलग अलग मिलाकर टेस्ट कर लिया है, लेकिन अब हम इन सभी को एक साथ मिक्स करने वाले हैं जैसा कि आपने थंबनेल में देखा था। तो चलिए अभी सभी को, सबसे पहले इसमें डालते हैं हम माजा को, ये रहा गाइस, थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि इसका टेस्ट बिगड़ा गाइस, तो ये सभी पीने लायक भी नहीं रहेगा। अब इसमें हम डालेंगे स्प्राइट को। अब है अगला बार इसमें स्टिंग का, स्टिंग डालते हैं रेड वाला, थोड़ा सा रेड वाला डालेंगे और थोड़ा सा ब्लू वाला, और थोड़ा सा ही डालते हैं, इसमें पूरा रेड रेड हो गया।
सबसे पहले हमने माजा डाला था, इसमें माजा को इसमें साइड में रखते हैं। अब इसमें हम डालेंगे ये कोका कोला, ये गया कोला, डीप रेड हो गया। अब हम इसमें डालते हैं सबसे लास्ट और यूनिक कलर, इसका है ब्लू, ये देखते हैं। अब तो लग रहा है कि सारा का सारा ब्लू होने वाला है इसमें, नहीं गाइस ब्लैक हो गया। अब ये तो गाइस पक्का पॉइजन हो गया होगा, अब तो मुझे गाइस पक्का डर लग रहा है इसको पीने से। अंदर फेन हो गया है, ऊपर से दिखाओ कलर कैसा है। चलिए अब इसकी टेस्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा स्टिंक का टेस्ट आ रहा है इसमें, लगभग लगभग सही का इसमें टेस्ट आ रहा है। गाइस मैंने आपको दिखाने के लिए क्या क्या मैंने पिया है, पता नहीं क्या होगा क्योंकि ये पॉइजन भी हो सकता है। इसके लिए गाइस आप मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी गाइस आप भी ऐसा अपने घर पे ट्राई कर लीजिएगा, आपको भी टेस्ट पता लग जाएगा इसका क्या टेस्ट आता है। मैं तो वीडियो में बस आपको इतना ही दिखा सकता हूँ, इसका कलर कैसा आया, इसका टेस्ट कैसा आया, बाकी आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा अपने घर पे। मिलता है अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।